नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गलेक्सी S20 FE 5G के बारे में। दोस्तों जो ये मेरे पास सैमसंग गलेक्सी S20 FE 5G वाला वेरिएंट है, इसके अंदर दोस्तों हमें एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिलता है। तो आज मैं आपसे इसी अपडेट के बारे में बात करूँगा। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो हमें इस अपडेट को देखने के अंदर मिलती हैं अपडेट को करने के बाद। और दोस्तों कुछ विषय ऐसे भी हैं जो हमें इस अपडेट को करने के बाद देखने को मिले हैं, जिनके बारे में दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और दोस्तों जब बैकग्राउंड में दोस्तों ये नॉइज़ आ रही है, इसके लिए दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि नवरात्र का दोस्तों टाइम चल रहा है, तो ये दोस्तों जो गाने वगैरह बज रहे हैं इसकी दोस्तों आवाज़ आपको आ सकती है। दोस्तों जो अपडेट है दोस्तों इसको मैंने अपडेट कर लिया है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने दोस्तों अभी किया है ये कुछ टाइम पहले ही। दोस्तों जो जो अपडेट है इसमें हमें मिलता है 1.1 UI दोस्तों जो होती है सैमसंग की 4.1 वाला। दोस्तों इसमें हमें सबसे पहले 4.1 का अपडेट देखने को मिलता है 1 UI वाला। इससे पहले दोस्तों हमारा जो फ़ोन चल रहा था वो चल रहा था 4.0 पे, बट अभी इसमें हमें मिल चुका है 4.1। दोस्तों इसमें हमें क्या करना है देखने को मिलता है, जो आपको यहाँ डिस्प्ले शो रहा होगा ये देखिए गैलरी का, दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो गैलरी में हमें फोल्डर मिलता है गैलरी वाला, उसके अंदर हमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों मोशन फोटो इस तरह के, दोस्तों कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे हमें जो फीचर हैं इस अपडेट में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस अपडेट का दोस्तों जो साइज है उसके भी मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इस अपडेट का साइज है दोस्तों 1200 MB का, यानी दोस्तों 1 GB से ऊपर का ये अपडेट है। तो इसमें हमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर भर भर के देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों बैकग्राउंड में दोस्तों जो कलर वगैरह होते हैं फोटो के अंदर, वो भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। गूगल ड्यू का ऑप्शन इसमें आ चुका है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आएगा अगर आप वीडियो कॉल ज़्यादा करते हो तो। सैमसंग हेल्थ दोस्तों जो होती है, अगर आप अपने हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो तो आप इसके ज़रिए इसे इस जो जो दोस्तों जो जो फीचर है इस फ़ोन में हमें दिया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। स्मार्ट स्विच का ऑप्शन दिया गया है, और दोस्तों इसमें हमें जो शेयरिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। यही दोस्तों 4.1 दोस्तों जो UI है काफ़ी अच्छी है सैमसंग की तरफ से, जो हमें सैमसंग के काफ़ी महंगे महंगे डिवाइस में देखने को मिलती है। तो इसमें दोस्तों जो अपडेट दे दिया गया है और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर हैं। अब मैं आपको दोस्तों ड्राइवर दिखाता हूँ इसका साइज। तो दोस्तों ये देखिए 1241 MB का है दोस्तों जो अपडेट है, और 1 मार्च का सिक्योरिटी पैच लेवल है। तो अगर आपके फ़ोन में जो अपडेट आ चुका है तो आप इसे प्रॉपर से कर लो। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कुछ खास बातें इस फ़ोन की जो इस अपडेट की। दोस्तों अगर आपके पास सैमसंग गलेक्सी S20 FE 5G वाले वेरियंट है तो आपको इस फ़ोन में दोस्तों वही फीचर से दोस्तों वही मज़ा आने वाला है जो हमें सैमसंग के लेटेस्ट डिवाइस आ रहे हैं S22 Ultra S22 सीरीज़ के, वही सब कुछ हमें इस फ़ोन में देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें भी हमें 4.1 UI मिलती है और इसमें भी हमें 4.1 UI देखने को मिल रही है। तो अगर आपके फ़ोन में जो अपडेट आ चुका है तो आप फटाफट से कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल जरूर है, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।